प्रेज द लॉर्ड। जब हम इस चर्च से और हमारे पास्टर से जुड़े हुए हैं तो चाहे हमारे ऊपर कोई परिस्थिति ऐसी भी आ जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक ये और इनकी सर की प्रार्थनाएं, पास्टर की प्रार्थनाएं हमारे साथ है, हमको कुछ नहीं हो सकता। हमारी बहन की ये साक्षी है, कहती है 15-20 दिन पहले मुझे 4 दिन तो मुझे बुखार हुआ था, जिसके कारण मैंने मेडिसिन लिया था, लेकिन अचानक से रविवार को मुझे बहुत वॉमिटिंग होने लगा, जिसके कारण मैं हॉस्पिटल गई। और जैसे ही हॉस्पिटल गई उन्होंने मेरा चेकअप किया और चेकअप होने के द्वारा पता चला कि इनको डेंगू हुआ है। ठीक है, ये होने के बाद डॉक्टर ने कहा ठीक है तुमको एडमिट होना पड़ेगा क्योंकि इसका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ से हम कर लेंगे। लेकिन जिस हॉस्पिटल में थी वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण नहीं हो पा रहा था, क्योंकि रिपोर्ट में आया था कि इनका इन्फेक्शन भी हो गया है पेट में। इनको दूसरी हॉस्पिटल में एडमिट किया, जहाँ पर एडमिट करने के द्वारा इनको डायरेक्ट ICU में रखा। और ये बात जैसे ही हमारे पास्टर को पता चला और यहाँ पे पास्टर ने उनके लिए प्रेयर किया और कहा कि दीपा तुम डरना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए हीलिंग को घोषित कर रहा हूँ। और कहती है जैसे मैं ICU में थी मैं थोड़ी डर सी गई थी, लेकिन जैसे ही पास्टर ने ये शब्द बोले मुझसे परमेश्वर ने भी बात किया और कहा कि मैं तुझे बीमारी के बिस्तर पर नहीं रहने दूँगा, लेकिन मैं तुझे रिस्टोर करूँगा। और जब ये बोलती है पास्टर के प्रार्थना करने के बाद ये शब्द जब मुझे पवित्र आत्मा द्वारा सुनाई दिए, मेरा विश्वास और बढ़ गया। और कहती है जब मेरे पास डॉक्टर ICU में आते थे और एक डॉक्टर ने कहा कि मैं तुझे फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करवाता हूँ, उस द्वारा तुम 1-2-3 ऐसे काउंट करो, लेकिन ये कहती है मैंने कहा नहीं, मैं परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा, मैं इन तीनों का त्रिएक परमेश्वर का नाम लूँगी, क्योंकि आज मेरा सहारा यही है। और कहती है ये भी रेवलेशन और ये प्रकाश प्रभु ने मुझे दिया कि दीपा तू डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे मुझे याद है एक मंगलवार को जब यहाँ पर सिस्टर बीना पास्टर से प्रार्थना करवाने आई थे फ़ोन पे, तो पास्टर ने कहा कि दीपा को बोल कि पास्टर इज देयर, पास्टर प्रार्थना कर रहे हैं और तुम ICU से पक्का डिस्चार्ज होके सीधा यहाँ पर चर्च में आओगी। तो कितना तसल्ली देता है जब मैंने ये शब्द मैंने सुने, और ये शब्द अगर किसी और के लिए पास्टर बोल रहे हैं तो हमको तसल्ली मिलता है कि चाहे हम कहाँ पे भी कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन कोई अगर हमारे लिए प्रार्थना के साथ ठहरता है तो हम कितने आशीर्वादित हैं। यही बात जो प्रार्थना के द्वारा आज देख रहे हो, उनका पूरा रिपोर्ट्स नॉर्मल है, अच्छी सेहत में वो हमारे साथ रुकी है, क्योंकि इनको हमारे पास्टर का सपोर्ट, चर्च में जो वचन उन्होंने सिखा और जो हमारे कलीसिया के लोग हैं, जो हम आत्मिक परिवार हैं, उसके द्वारा वो बहन फिर से कलीसिया लौट आई है, फिर से प्रभु ने इसको आरोग्य दिया है। इसके लिए हम सारा गौरव परमेश्वर को देते हैं। प्रेज द लॉर्ड।